हेलमेट नहीं तो शराब नहीं। शराब विक्रेताओं ने दुकानों के बाहर लगाए पोस्टर शराब लेने आने वाले हेलमेट में आ रहे नजर। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ट्रैफिक पुलिस के स्लोगन को आबकारी विभाग भी आगे बढ़ा रही है। जबलपुर के शराब विक्रेताओं ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाएगा उसे शराब नहीं दी जाएगी। जबलपुर शहर की अधिकतर शराब दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें लिखा है कि हेलमेट नहीं तो शराब नहीं। वहीं शराब दुकानों पर लगे पोस्टर के माध्यम से यह भी बताया गया है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा उसे शराब नहीं दी जाएगी। शराब दुकानों के इस निर्णय के बाद अब शराब के शौकीन हेलमेट लगाकर शराब खरीदने दुकान पहुंच रहे हैं। दरअसल बीते दिनों ट्रैफिक ASP प्रदीप सिनेड ने हाई कोर्ट के निर्देश पर हेलमेट को लेकर कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के सहयोग के लिए आबकारी विभाग भी आगे आ गया। जबलपुर शहर की अधिकतर दुकानों में पोस्टर लगाए गए हैं, इसको लेकर ना चाहते हुए भी शराब के शौकीन हेलमेट लगाकर शराब लेने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जबलपुर आबकारी विभाग ने 2 अक्टूबर से लेकर आज तक तकरीबन 174 केस अवैध शराब के बनाए हैं, साथ ही सैकड़ों लीटर शराब भी जब्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।